दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, ये रहने वाली है हिंडाल्को में। बहुत बंदों को जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हिंडाल्को जो है पार्ट है आदित्य बिरला ग्रुप का। जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप का ही पार्ट है हिंडाल्को जो है। बेसिकली नॉन फेरस मेटल्स को बनाता है। सबसे पहले तो जिन बंदों को कन्फ्यूज़न है उनके लिए मैं बता दूं, नॉन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं। एलुमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, टिन, टाइटेनियम एंड जिंक, एज वेल एज कॉपर एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन फेरस मेटल्स दोस्तों। इन्हीं को जो है हिंडाल्को बनाता है और हिंडाल्को इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइट वर्क करता है। मैं आपको पूरी वीडियो बताने से पहले बस इतना बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया है दोस्तों, वो 2 मिनट लगेंगे, शायद आपके 10 सेकंड लगेंगे, तो वो आप ज़रूर मेंशन कर दें। उससे मेरे लिए क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि मैं आपकी नेक्स्ट जॉब की अपडेट सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट ला पाता हूँ। अब बात आई दोस्तों कि आपने मेरे को अभी लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे जब मैंने टाटा पावर के रिगार्डिंग वीडियो डाली, तो उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन किया मेरे से कि हम जो हैं अगस्त से, सितंबर से, जुलाई से अप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप उनमें से नहीं, सभी ऐसे नहीं है जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। जिनका रिप्लाई आता है वो जॉब भी लगती है और वो चले भी जाते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि जिनका रिप्लाई नहीं आता है वो अपनी बात कन्वे कर देता है, जिनका रिप्लाई आ जाता है वो कभी नहीं बोलता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि आपका भी रिप्लाई आएगा। देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, मतलब ना मामा से काणे मामा ज़्यादा बेटर है। मतलब हमारे पास कम अच्छी वैकेंसी ना हो के एक छोटी, मतलब कहने का मतलब ये, ना वैकेंसी होने से अच्छा ये है कि एक छोटी वैकेंसी हो। तो आप जो है छोटी कंपनी में भी ट्राई कीजिए, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनमें भी ट्राई करते रहिए। एज वेल एज कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट यू। बट आपको क्या कर लेना है, 2 से 4 चीज़ों में मेरे को फॉलो कर लेना है, जहाँ कौन कौन से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये। और दोस्तों अगर कोई बंदा फ्रीलैंसिंग की जॉब की वीडियो चाहता है, जो फ्रीलैंसिंग क्या होता है, पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम कौन वर्क करता है, जो अपने घर से भी वर्क कर सकता है या फिर जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ कोई फ्रीलैंसिंग चाहिए तो मैं आपको उस फ्रीलैंसिंग की भी बता सकता हूँ। आप जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीलैंसिंग की ला दूंगा। अब बात कर लेते हैं हिंडाल्को के अंदर यहाँ एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले यहाँ डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही एलिजिबल होंगे और फ्रेशर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब आई हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, हिंडाल्को जो है आदित्य बिरला ग्रुप का ही पार्ट है और ये इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइट वर्क करता है। तो ईजिली यहाँ जॉब लगना और किन किन कंट्रीज़ में, 10 कंट्रीज से ज़्यादा में ये वर्क करता है, ग्लोबलाइट फैला हुआ है। और टोटल अगर इनका मैन पावर देखेंगे 40,000 प्लस एम्प्लॉय इनके अंडर काम करता है और 50 से ज़्यादा यूनिट ग्लोबलाइट इनकी लगी हुई है, मतलब प्लांट जो लगे हुए हैं। अब इनके चलते हैं हम डायरेक्ट कैरियर सेक्शन में, जहाँ से हम इनकी अप्लाई भी कर पाएंगे प्लस हम इनको कैसे कैसे हमें जॉब चाहिए वो भी हम दे पाएंगे। अब जैसे ही हम इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, इनकी वेबसाइट पर यहाँ कैरियर सेक्शन आता है तो यहाँ आपको दिख जाएगा इन्होंने क्या बोला है कि आप जो है 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट आदित्य बिरला ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहीं से कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको डायरेक्ट यहीं से करना है, ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं आपको लिंक भी यहीं कहीं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल कैरियर पेज पे आए तो आप हमारे सामने कुछ इस तरीके की सीट मेंशन होके आ गई। टोटल यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल करके 11 पेज है। एक पेज पे 4 वैकेंसी है तो 11 into 4, 44 और मिनिमम एक पोस्टिंग के लिए 10 से 15 वैकेंसी निकली होती है, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वैकेंसी है। हमें सबसे लेटेस्ट वैकेंसी देखनी है तो सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना होगा, जो कि इन्होंने लास्ट टू फर्स्ट में कर रखी है। दोस्तों आप देखेंगे जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन सेल्स एंड मैनेजर वेस्ट, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ इन्होंने फ्रेशर्स वालों को, एक्सपीरियंस वालों को, सभी को दिया है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ पे नज़र डालेंगे, जो इन्होंने ज़्यादा क्राइटेरिया दिया है वो इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को और डिप्लोमा और बीटेक दोनों वालों को क्राइटेरिया में ज़्यादा मेंशन दिया है, जिससे यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही ज़्यादा एलिजिबल है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कुछ वैकेंसी में 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है,
ऐसे ही कर करके, ये सिर्फ सिविल वालों के लिए है, सिविल से अलावा भी जो है वो ये जैसे सपोर्ट प्रोजेक्ट सिविल, नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देखेंगे इसमें मैकेनिकल वाले भी है, एनालिटिक भी है, शिफ्ट सुपरवाइजर भी है जो पावर प्लांट के अंदर होता है। जैसे कि आपने देखा पावर प्लांट के अंदर भी वैकेंसी जो है हिंडालको का प्लांट, खुद के प्लांट होते हैं, और वैकेंसी जो है झारखंड वगैरह में मेटल्स, मेमोरी में, बिजनेस यूनिट में ऐसे आती है। और यहाँ भी अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा तो इन्होंने जो है डिप्लोमा वालों को प्रेफर कर रखा है, नॉर्मली 3 ईयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है, डायरेक्ट जीएम को रिपोर्ट करना है जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रेशर वालों की, जो फ्रेशर वालों में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ फ्रेशर वालों की डिमांड यहाँ भी ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फ्रेशर वालों की आपको यहाँ भी वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि है अभी 9th पेज पे, और इसमें है SSPR ऑपरेशन 3 और July 30 को। अब आप बोलेंगे यार जुलाई 30 तो बहुत दूर जा चुकी है, उसकी वैकेंसी अभी क्यों दिखा रहा है? देखिए इसका क्वेश्चन भी आएगा और हो सकता है कि कुछ कमेंट्स भी आ जाए इसके रिगार्डिंग, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि क्या होता है 30th, कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में जैसे SSPR है सीनियर रेजिडेंट प्रोजेक्ट रेजिडेंट ऐसे होता है, तो इनकी है कंटिन्यूटी चलती रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट के हायरिंग के लिए, तो ये एक बार वैकेंसी डालते हैं उस पर एप्लीकेशन आती रहती है, ये हायर करते रहते हैं। तो यहीं आपको इसी टाइप में ये 1 to 5 years मतलब फ्रेशर्स वाले यहाँ एलिजिबल हैं, 1 to 5 years का कोई भी आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो सभी एलिजिबल है। अगर बात देखेंगे SH मैकेनिकल MF में, यहाँ 3 to BE BTEC वालों के लिए है, ऐसे ही सुपरवाइजर सिक्योरिटी या SS साइट E1 PR2 इनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इन्होंने जनरल डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा किसी से भी कर रखा हो, मतलब आपने सिविल से कर रखा हो, आपने मैकेनिकल से कर रखा हो, आप यहाँ एलिजिबल है, एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेशर 1 to 6 का। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, फ्रेशर कैसे हुआ? दोस्तों फ्रेशर जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स को डिफाइन करता है। अब आई बात अप्लाई करने की, तो यहाँ नीचे ही आपको अप्लाई फिर फॉर दिस जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट मेंशन होकर आ जाएगी, जहाँ आपको डायरेक्टली इनको अप्लाई करना है, वहाँ आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ के डायरेक्टली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप साइन अप करने के बाद आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट दिखेगी, मैं ऊपर की सीट आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा डाटा है उसमें, और मैं मेरा डाटा अगर मैं आपको लीक कर दूंगा वो डायरेक्टली बार बार मेरे पास फोन आएंगे। तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस और एक चीज इन चीज़ों का कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जहाँ आपको परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखना है दैट इज़ गुड फॉर यू, और इन चीज़ों को आगे भी ध्यान रखते रहिए। देखिए अगर आप वर्क सिलेक्शन में जा रहे हैं, फ्रेशर वालों के लिए भी कॉलम दिया हुआ है जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ भी फ्रेशर का मेंशन किया हुआ है। मिसलेनियस में, एजुकेशन सेक्शन में, स्किल्स में, दोस्तों अब आई स्किल्स की बात। ये देखिए इसमें बहुत बंदे फंसते हैं, इसमें क्या है स्किल्स में क्या होता है, कैसे स्किल, देखिए सब हर ब्रांच की स्किल अलग होती है, वैसे तो सबको अपनी स्किल पता ही है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में स्किल ब्रांच स्किल और अपनी ब्रांच मेंशन कर दीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के डलने के आधे घंटे बाद सबकी स्किल डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं आपको चाहिए कौन कौन से ब्रांच की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं तो मैं अपडेट कर दूंगा। ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।